अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल मजीद है डेलस हॉलीडेज़ ट्रैवल एजेंसी से। डेलस हॉलीडेज़ ने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, डेलस हेल्थ इंश्योरेंस। ये हमने अपनी एक प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके ये लॉन्च की है और वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्च की है। और ये आजकल आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और इसे अवेल कीजिए पहली फुर्सत में। डेलस हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, 5 साल की टर्म का होगा। इसमें एक स्टैंडर्ड है और एक डिलक्स कार्ड है। दोनों को मैं कोशिश करूँगा खसूसियात आपको वाजे कर दूँ। और मेरी नज़र में पहली फुर्सत में लीजिए ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेलेक्ट किया है, तो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एक इंश्योरेंस है, हमने स्टैंडर्ड है और एक सुपर हमने रखी है, एक स्टैंडर्ड और एक सुपर। स्टैंडर्ड शील्ड और सुपर शील्ड के नाम से है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको खसूसियात बताता चलूँ कि एक में कवर है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, वो है 2.5 लाख, और एक में कवर है 5 लाख। दोनों की जो टर्म्स हैं वो 5 साल की होंगी। और जो 2.5 लाख वाली जो इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम है सालाना 3,900 से स्टार्ट होता है। एज वाइज इसका रेट है 12,000 तक जाता है। पहले दिन से लेके 55 साल तक की उम्र के लिए सबके लिए ये इंश्योरेंस कर सकते हैं आप, ठीक है जी। और अबव 60 ईयर्स ओल्ड के लिए इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ये जो इंश्योरेंस है वो आपको पहले दिन से लेके 55 साल तक की उम्र के लिए, आपको मैंने बता दिया कि एज लिमिट क्या है। बाकी इसकी जो डिटेल्स है मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में सब खत्म कर दूँ। अच्छा जी, इसमें जो है हॉस्पिटल्स हैं 200 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप ये हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। ये सारे पैनल पे हैं हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है उसके पैसे आप दे देंगे, उसके पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। तकरीबन 100% नहीं करेगी लेकिन 80-90% कर देगी, ठीक है जी। अच्छा जी, हॉस्पिटलाइजेशन आप कर लेते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन में आप अगर हो जाती है तो इन केस खुदा ना खासा अल्लाह आप सबको हफ्ज़े ईमान में रखे, उसमें ओपीडी एडमिशन होने से पहले एक महीने की ओपीडी और एडमिशन के रिलीज होने के डिस्चार्ज होने के बाद एक महीने की ओपीडी, ये सब रीइंबर्स हो जाएगा पैसा, ठीक है जी। 2.5 लाख तक की कॉस्ट कवर है, 3,900 रुपये के स्टार्टअप है, एज वाइज इसके रेट्स हैं और 12,000 तक रेट जाते हैं। 2.5 लाख वाले जो शील्ड वाले स्टैंडर्ड शील्ड है उसमें जो रूम अलाव है वो सेमी प्राइवेट रूम अलाव है, ठीक है जी। और एक सुपर शील्ड है उसमें 5 लाख तक की लिमिट है, उसमें रूम अलाव है, प्राइवेट रूम अलाव है, ठीक है जी। आप अपने बीवी बच्चों का भी करा सकते हैं, सबका प्रीमियम सेपरेट होगा, इसमें कोई इंडिविजुअल रेट होता है, सही है जी। इसमें फैमिली का कोई पैकेज नहीं होता, लोग पैकेज बना लेते हैं लेकिन वो प्लस करके ही बनाते हैं, कोई पैकेज इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं आता, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात हम ये कहेंगे कि 24 घंटे इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस है, डीलर्स हॉलीडेज भी आपके साथ साथ रहेगा, कभी भी कोई इमरजेंसी या कोई जरूरत पड़ती है, रियल वैल्यू फॉर मनी है। और इसके अलावा जो है सारे पाकिस्तान के मेजर हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान से लेकर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, 200 से ज्यादा हॉस्पिटल में इसकी ये पैनल पे है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हॉस्पिटल के साथ, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चलूं कि हाँ, इंश्योरेंस आप जब एक्टिव करेंगे तो ये इंश्योरेंस जो है वो उसके 1 महीने बाद ही वैलिड होती है। जैसे आपने पैकेज ले लिया उसके 1 महीने बाद ही वैलिड होती है। और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पहले से जो डायग्नोज हुआ है, जैसे कैंसर की बीमारी, ऐसी बीमारी पहले से डायग्नोज हुई भी आपको, तो उस पर यह लागू नहीं है। उस पर दूसरे साल से लागू होती है 10%, फिर तीसरे साल 20%, चौथे साल 30%, और फिर पांचवें साल 40%, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक इसकी कंडीशन है। दूसरा अब मैं आपको बता चलूँ, ये 5 साल की टर्म है, हर साल आपने प्रीमियम भरना है, सेम प्रीमियम हर साल भरना है, और हर साल आपको यही कवरेज मिलती रहेगी। 2.5 लाख वाले में 2.5 लाख, 5 लाख वाले में 5 लाख। अगर आपने पहले साल में ही आपने 2.5 लाख आपके कंज्यूम हो गए हैं तो आपने घबराना नहीं है, दूसरे साल में भी आपके 2.5 लाख रुपये आपके कंज्यूम करने की आपके पास वैलिडिटी है, मतलब हर साल है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा कोई सी बात मैं आपसे करना चाहूँ, जो हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है उसमें भी आपने घबराना नहीं है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, उसमें भी आपको रीइंबर्स हो जाएंगे पैसे, ठीक है जी। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ता है और 3 महीने के अंदर ही आप ट्रैवल करके बाहर आ जाते हैं तो वहां के भी कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो वहां के पैसे आपको रीइंबर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और कुछ जो इसके 3,900 रुपये हैं, 2.5 लाख वाली जो इंश्योरेंस है शील्ड वाली, उसके 3,900 रुपये, 12,000 तक जाती है इसकी इंश्योरेंस, एज वाइज है, पहले साल से लेके 55 साल तक की उम्र के लिए है। जो सुपर शील्ड है उसके 9,000 से प्राइस स्टार्ट होते हैं और 17,800 रुपये जाते हैं, उसका 5 लाख रुपये कवर है, ठीक है जी, सालाना। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी मामला, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ओपीडी नहीं होती, आई टेस्टिंग नहीं होती, डेंटल टेस्ट नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती शामिल, प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है ना। इसमें सारी एडमिशन
एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो होती है, ठीक है जी। अच्छा, आपने अगर शेड्यूल एडमिशन है आपका, तो 48 घंटे पहले आप प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे, हमें बताएंगे, हम उनको बता देंगे कि आप एडमिट होने जा रहे हैं, या इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल या आप प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी को या हमें बता देगा कि ये हम एडमिट होने जा रहे हैं, तो उसी वक्त आपका कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पैनल पे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ हेल्थ कार्ड शो करना होता है हॉस्पिटल में, ठीक है जी। हेल्थ कार्ड हम आपको देंगे, जब आप एक्टिव कर लेंगे, अपनी पैकेज ले लेंगे हमसे इंश्योरेंस का, तो आपको हेल्थ कार्ड हम देंगे। इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ना हमारे कोई सर्विस चार्जेस हैं, हमें एक जायज कमीशन मिलता है, हम उसको करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हेल्थ कार्ड सबको इश्यू होगा, आपको बता दिया है, हेल्थ कार्ड दिखाना जरूरी है हॉस्पिटल में, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा 24 घंटे इमरजेंसी लाइन मौजूद है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाहर आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, पॉलिसी सीज हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो चुकी हो, या पॉलिसी का टर्म खत्म हो गया हो, या आपने ड्यू डेट पे पेमेंट ना की हो, ठीक है जी। तो ये आपने तीनों चीज़ों, ड्यू डेट की पेमेंट का बड़ा ख्याल रखना है, डेथ तो किसी के इख्तियार में नहीं है, ठीक है जी। और इतनी ये बात है, और इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि कौन सी ऐसे मामलात हैं, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कहना चाहूँ, और इसके अलावा और कोई होगी जो आपको बता देंगे, वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई हाथी कोड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको अवेल कीजिए। 3,900 से स्टार्ट होती है, 2.5 लाख रुपये की इसकी कवर हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करती है, और एक दूसरी 9,000 से स्टार्ट होती है, इसके 5 लाख रुपये की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करती है, ठीक है जी। एक बजट भी है, वो 1,600 रुपये का कार्ड मिलता है, उसमें आपको 50,000 रुपये की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर है, ठीक है जी। 1,600 रुपये का कार्ड है वो भी सालाना आपने भरना पड़ता है, वो 1 साल की टर्म है। ये जो दो पैकेज मैंने आपको बताए हैं, स्टैंडर्ड शील्ड और सुपर शील्ड, ये 5 साल की टर्म है, हर साल आपको पेमेंट भरनी है, और हर साल आपके लिए ये अमाउंट वैलिड होगी, ठीक है जी। तो डिलक्स इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस डिलक्स हॉलीडेज ने अनाउंस किया, उसको फायदा उठाएं उससे, और ये प्रोडक्ट हमारी अब लें, ये वक्त और हालात की ज़रूरत है, और अल्लाह हमें हॉस्पिटल और इन सब चीज़ों से दूर रखे, लेकिन खुदा ना खास्ते ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए एक बैकअप सपोर्ट मौजूद हो। शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।